राजधानी देहरादून में विगत कुछ दिनों से ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा देह व्यापार का धंधा किया जा रहा था, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को सूत्रों से जानकारी मिली, जिस पर संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एसपी देहात और क्षेत्राधिकारी विकास नगर थाना अध्यक्ष सहसपुर के नेतृत्व में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल्स के साथ संयुक्त टीम गठित कर उक्त गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए, जिस पर दिनांक 24 मार्च 2018 को सेलाकुई में उक्त गिरोह की गिरफ्तारी के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके चलते एक कार से 4 अभियुक्त और एक महिला को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2 पीड़ित महिलाओं को बरामद करते हुए उनके परिवार के सुपुर्द किया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि ओम प्रकाश पहले ड्राइवर का काम करता था। इसकी मुलाकात एक महिला जूही शर्मा से हुई, जो पहले से ही देह व्यापार में लिप्त थी। फिर इनके द्वारा आपस में शादी और पैसों के लालच में मजबूर लड़कियों को चिन्हित कर उनको पैसे का लालच और काम दिलाने का भरोसा देकर अपने साथ लाकर जबरदस्ती देह व्यापार कराया जाता था। वर्तमान में अभियुक्त द्वारा एक किराए के मकान से ऑनलाइन स्कॉर्ट सर्विस इन देहरादून साइट पर अपना मोबाइल नंबर अपलोड किया, जिसके माध्यम से ग्राहक तलाश कर उनको व्हाट्सएप के द्वारा पीड़िताओं के फोटो भेजकर समय और स्थान तय कर अभियुक्त भानु प्रकाश और रितेश द्वारा उस पीड़िता को कार के द्वारा ग्राहकों के पास पहुंचाने और लाने का काम करते थे, जिसका पुलिस ने भंडाफोड़ कर बड़ी सफलता हासिल की है। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून।